हरियाणा जनसेवक पार्टी के सुप्रीमो एवं अहम विधायक बलराज कुड्डू ने छात्राओं के लिए चलाई जा रही निशुल्क बस में सफर किया। इस दौरान उन्होंने छात्राओं से बातचीत करते हुए उनकी पढ़ाई को लेकर बातचीत की। वहीं सभी को मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए कहा। विधायक बलराज कुड्डू ने महम से गांव बड़ाली तक करीब 5 किलोमीटर की यात्रा छात्राओं के साथ की। इस सफर के दौरान छात्राओं से बातचीत की। इसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी डाला, जिसमें वह छात्राओं को कहते नजर आ रहे हैं कि मेहनत करने से हर मुकाम हासिल हो सकता है। यात्रा के दौरान छात्राओं ने कहा कि पहले उन्हें कॉलेज तक जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन निशुल्क बस चलने के बाद कोई दिक्कत नहीं आती। बातचीत के बाद छात्राएं भी खुश नजर आई। महम विधायक बलराज कुंडू ने बस में सफर के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि बहन बेटियों की शिक्षा के लिए घर से कॉलेज तक चल रही सुरक्षित फ्री बस सेवा का आज निरीक्षण किया गया। उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जाना गया। सभी को आश्वासन दिया गया कि आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए अगर और भी बस चलानी पड़ेगी तो हम चलाएंगे। फिलहाल रोहतक जिला ही नहीं अन्य जिलों में कुल 24 बसें छात्राओं के लिए निःशुल्क चलाई जा रही हैं। पता क्यों नहीं पढ़ाई तो पता क्यों नहीं, कोई चीज इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है कोई चीज? तो ये इसका फायदा होना, जो और गर्ल्स आती है वहां पे वो परेशान होगा कि क्या होती है तुम्हारे साथ, तो तुमने तो अपनी पढ़ाई और अच्छे से नहीं करनी चाहिए।